तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन के अंदर क्या कहते हैं पिक्चर वाले लुक डाल सकते हैं। अगर थोड़ी वीडियो ग्लिची लगी है तो प्लीज हटाए मत, सब सुन लें। थोड़ा आप ग्लिची नहीं लगा होगा स्क्रीन क्वालिटी वगैरह कुछ ना, मैं आपको पिक्चर कैसे फ़ोन के कवर कर सकते हैं, खास करके शाओमी ये किसी भी फ़ोन में वर्क करती है। मैं वापस बता रहा हूँ, किसी भी फ़ोन में वर्क कर लेगी, भले वो शाओमी हो, रेडमी हो, रेडमी हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, जो भी हो, चलवाए आईफोन वगैरह। तो ये सिर्फ एंड्रॉयड पे है, एंड्रॉयड मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सिर्फ वीडियो के सबसे पहले आपको पिक्सल पकड़ने के लिए एक ऐप चाहिए जिसका नाम है नोवा लॉन्चर। चाहिए नोवा लॉन्चर चाहिए, फिर आपके सबसे पहले नोवा लॉन्चर इंस्टॉल करते हैं। नोवा लॉन्चर आ चुका है, ये नोवा लॉन्चर का बीटा वर्जन है। सबसे ज़्यादा अच्छा वाला नोवा लॉन्चर ये होता है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके ऐप भी इंस्टॉल करेंगे, वो भी ऑफिशियल। गूगल पे जाएगा, गूगल पे लिखेगा नोवा लॉन्चर, नोवा लॉन्चर, नोवा लॉन्चर 8, यहाँ पर आ जाएगा नोवा लॉन्चर APK में लड़का आ जाएगा। आ जाए तो नोवा लॉन्चर का भी कर सकते हैं, दोनों में इसे किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर लें, वो लॉन्चर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उनकी खुद का अच्छा वेबसाइट है। डाउनलोड लेटेस्ट बीटा पे क्लिक करेगा और यहाँ से डाउनलोड कर लेगा। मैं नहीं कर रहा था तो मैंने कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा, एक सेकंड पहले हमने कर लिया क्लियर डेटा। अब अभी क्या करना है, प्ले स्टोर उसको पहले खोलना है ऐप को, ऐप को हमने खोल लिया, को हमने खोल लिया। नाउ यहाँ जो टिक पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वापस खोलेंगे और बन जाएगा हमारा सेटिंग्स में जाएगा। मेरे पास प्रीमियम वाला है, प्रीमियम वाला है, सही है। अब यहाँ पर इसको खोलने के बाद सबसे पहले तो आपको उसको अपना डिफॉल्ट करना पड़ेगा, ये स्मूथ भी है, इसको आपको डिफॉल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से आपको नोवा लॉन्चर में क्लिक कर देना है और आप पैक आ जाएंगे। अब मैं आपको एक फ़ाइल कर दूँगा, उसका नाम होगा नोवा लॉन्चर का पैकअप फाइल, उसको आपको अपने इसके अंदर अप्लाई करना है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको डाउनलोड कर दीजिए गूगल ड्राइव से। अब यहाँ से दबा कर रखूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद जहाँ से आप यहाँ पर जाएगा डाउनलोड करने के बाद बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ पर रिस्टोर बैकअप पर क्लिक करेगा। यहाँ से यहाँ से ये वाली फाइल होगी, इस पर क्लिक कर लेगा, ओके में दबा देगा और थोड़ा सा वेट लेगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपको लोअर लेआउट ऐसा हो जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं। अब ना आपको एक और ऐप चाहिए, इसका नाम है गूगल क्लॉक, जिससे आपके पास एंड्रॉयड 12 वाला स्टाइल वाला गूगल के क्लॉक फीचर्स आ जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से टैप टू सेटअप में क्लिक करेगा, स्क्वायर ऐप पर जाएगा, यहाँ से जो भी आपको चाहिए दबा देगा और ये आपको ये फाइल आपके सेटअप हो जाएगा। और अब आपको थोड़ी अच्छी लुक चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल में जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ से वो बहुत कुछ मिल जाती है छीनने के लिए। ऊपर एंड्रॉयड 12 वाला स्टाइल चाहिए, बट याद रखिएगा अगर आप एंड्रॉयड वैसे प्ले स्टोर का जब आप नोवा लॉन्चर इंस्टॉल करेंगे तो शायद इतना फीचर्स ना मिले, बट वो स्मूथ चलेगा, तो वह स्टेबल है। ये वाले में फीचर ज़्यादा मिलेंगे बट वो बीटा है, इससे इसमें थोड़ा सा क्लच है, उसमें क्रैशिंग हो सकती है, तो आप वो देख लेगा। अब आपको एक और एप्लीकेशन मिलेगी, उसको इंस्टॉल करना है, उसका नाम है प्ले स्टोर में दिखाता हूँ, उसका नाम है सर्च, उसका नाम होगा सर्च वेजेट मटेरियल यू। इसको ज़रा इंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसको सेटअप कैसे करना है। जब भी इंस्टॉल हो जाए तो आपको यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेगा, गूगल असिस्टेंट में क्लिक करेगा, इसको हटा लेगा, इसकी जगह आप प्ले स्टोर लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, इसकी जगह हम लगा देते हैं वेदर लगा देते हैं। यहाँ से आइकन टैग, यहाँ से गूगल डॉट मैट्रिक्स से क्लिक कर देगा, जिससे इसकी लुक अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से सबसे मेन चीज़ गूगल सर्च फिक्स में जाकर गूगल सर्च फिक्स जगह वेब एक्शन में क्लिक कर देगा, यहाँ से प्लेस वेजिट ऑन स्क्रीन कर देगा,
मैंने यहाँ से एक्टिव होम स्क्रीन है, जिससे अगर आप कभी भी ये दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। सही है, अब जहाँ से आपको ये इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दबा देगा, जिससे ये चेंज हो जाएगा। अब आपके पास ये आ चुका है गूगल सर्च बार वाला। अब अच्छा लग रहा है, छोटे लोग को अच्छी लग रही है फ़ोन की। अब एक और फ़ोन एक और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बोनस ऐप है, इसका नाम है प्ले स्टोर में रहेगा, यहाँ से कहेगा डायनामिक आइकन्स। डायनामिक आइकन्स ये वाली ऐप डाउनलोड करेगा जो मैं बता रहा हूँ। ये वाला, ये थोड़ी पेड़ है तो बता दूँगा। यहाँ से आपको कहाँ जाएगा, यहाँ से आपको सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। पिक्सल का चाहिए तो पिक्सल का दबा देते हैं हम। मटेरियल व्यू भी है यहाँ पर, मटेरियल व्यू भी है, पिक्सल भी है, सैमसंग MIUI सब है। और यहाँ पर आइकन भी है, तो आइकन अप्लाई करने के लिए अप्लाई में क्लिक करेगा, यहाँ से नोवा में क्लिक करेगा, यहाँ से ये ऐड दिखाएगा। तो आपको बगैर ऐड के करना है तो आपको यहाँ से सेटिंग खोलेगा। सेटिंग में खोलने के बाद यहाँ से लुक एंड फील में जाएगा। लुक एंड फील में आइकन सबसे ऊपर आएगा, आइकन स्टाइल, इसमें क्लिक करेगा। यहाँ से आइकन थीम में क्लिक करेगा, यहाँ से डायनामिक आइकन को सेलेक्ट कर देगा, जिससे बगैर ऐड के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ऑटोजन में क्लिक करके यहाँ से आपको ऑलवेज है, ऑलवेज में क्लिक कर देगा। एंड ये जो एंड्रॉयड 7.1 आइकन से कभी भी नहीं दबाएगा, वरना ही थोड़ी सी आपको एंड्रॉयड 7 वाली लुक देगा। ये शीर्ष लेगेसी आइकन को ऑलवेज शेयर करके रखेगा, और यानी आपका डन हो चुका है, आइकन पहले से हो चुका है। अब आपको ये ऑटो में क्लिक कर देगा डायरेक्ट आइकन को, और डन। और आप देख सकेंगे आपको बस पिक्सल वाले आइकन आ जाएंगे थोड़े। और इस वाले ऐप में से जो मैं बोनस बताया था, इस वाले ऐप से हम वॉलपेपर्स भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको उसमें ऐड देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐड देखना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत ही सारे ऐड हैं, लेकिन एक ही ऐड रखना पड़ेगा, जिससे अगर मुझे ये वाला अप्लाई करना है, ये वाला नहीं, ये वाला अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से ये ऑफर जाऊँगा। डाउनलोड में भी करने के लिए ऐड चाहिए, वॉच अ स्मॉल वीडियो, या अगर आपको बोर्ड स्क्रीन सब में वो ऐड ही दिखना पड़ेगा। ऐड और ऐड ऐड देख लें बस कम हो जाएगा, जिससे अगर मुझे इसको बोर्ड स्क्रीन में चाहिए मुझे ऐड देखना पड़ेगा। अब मैं डाउनलोड में कॉपी डाल आ जाए, आप लगा सकते हैं ये वाले वॉल पेपर, मैंने पिक्चर का लगाया हुआ है। आपको चाहिए ना ये वाले वॉल पेपर, गूगल में सर्च करिएगा, डाउनलोड करेगा मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, सर करिए आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन स्टाइल। आई होप आपको अच्छी वीडियो होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।